जैसे साहब अभी मतलब जिस हिसाब से सीजन चल रहा है तो बहुत से जी लोग जो जागरूक हैं वो इस सीजन में मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जी बहुत अच्छी बात है आप इस सीजन में स्टार्टअप करिए। दो तीन चीजें हैं साथ में, जैसे आप अगर गाय पालना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आप जरूर रखिए कि जी कैसी गाय परचेज करना है, कौन सा फीड खाएगी और कब डीवार्मिंग करनी, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत नॉलेज में जरूर रखिए। जानकारी होना चाहिए। और आप कहीं से भी गाय परचेज करें तो आप पूरी संतुष्टि के साथ उसके आर्डर से लेके पूंछ खुर नाक मुंह सब सारी चीजें आप देख के देख करके तभी गाय परचेज करिए, हम ही से नहीं, आप कहीं से भी लीजिए जी। तो पूरी चीजें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाइए तब तक आप इनमें ना परचेज करिए कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे जानकारी ले सकते हैं अगर कुछ अनुभव कम हमारे है। पास आप लमसम 50 फोन दिन के हाँ। तो इसी बेस पे आते हैं कि गाय बीमार है जी। या कौन सा सीमन डलवाएं, फीड कौन सा खिलाएं, कौन सी दवा से डिवार्मिंग करें, करीब जी 50 कॉल तो इसी बेस पे हमको रोज आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत जानकारी हमको है तो वो हम दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज पुनः हम आए हैं शकील डेयरी फार्म पर, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाय इस समय डेयरी फार्म पर उपलब्ध है। और जो भी पशुपालक भाई गाय लेना चाहते हैं खुद आकर देख करके अपने मन पसंद की गाय खरीदिए, किसी की बातों के बहकावे में ना आइए कि शकील डेयरी फार्म ऐसा है या फला डेयरी फार्म ऐसा है। शकील डेयरी फार्म की ये गारंटी है कि अगर गाय गड़बड़ निकल जाती है तो आप स्वयं गाय लेकर वापिस आइए और दूसरी गाय जिस तरह से आप गाय खरीदेंगे छोटी है बड़ी है मैनेज करके लेन देन करके आप दूसरी गाय ले सकते हैं, बने रहिए। चलिए हम एक एक गाय के बारे में दिखाते हैं तो फिर भैया से जानकारी लेते हैं। और मैं एक बार निवेदन करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा करके आल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम मिलाते हैं भैया से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर भैया आ चुके हैं और भैया से हम जानकारी लेते हैं पशुपालक भाइयों, चलिए मिलाते हैं भैया से। भैया नमस्कार जी। नमस्कार, और सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारे फार्म पे आए। थैंक यू भैया, आपके जितने व्यूवर्स हैं हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। तो कहाँ से शुरू किया जाए भैया? सर अब आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, जो देखना चाहेंगे वो दिखाएंगे आपको। वैसे तो फार्म पूरा गायों से भरा हुआ है जी जी, और अच्छी अच्छी गाय हैं, एक से बढ़कर एक गाय हैं जी। तो हम चाहते हैं हमारे पशुपालक जो खरीदना चाहते हैं सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है जो गाय ले सही गाय हो, दूध देने वाली गाय हो, अच्छी गाय हो, रेट ज्यादा ना लगे जी। तो उस हिसाब से आप दिखाइए गाय और रेट भी बताइएगा। कहीं से भी आए सबसे पहले तो बढ़िया से बढ़िया चॉइस करके हम लाते हैं, क्योंकि हम भी आगे पैसे दे के ही खरीदे होंगे जी। ऐसा तो है नहीं किसी ने हवा में दे दी होगी, या और अगले को देना भी है और अगले को बेचनी भी है जी। तो ये दोनों चीजें मतलब बहुत हिसाब किताब से करना पड़ेगा, तब तो काम चलने वाला है चलने वाला। और रह गई बात जैसे किसी के यहाँ गई गाय जी, और मान के चलिए कि हमारे बताए के अनुसार वो मतलब उस लेवल को नहीं पा रही या उस दूध को नहीं पा रही, तो हमसे आप संपर्क करिए, हमारे 3-4 नंबर दिए गए हुए, आप कभी भी आप उस पे संपर्क कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो जानकारी जो मदद हो पाएगी वो हम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एज ए कंडीशन अगर आप वो चीज नहीं रखना चाहते तो आप हमसे बात करिए, लेके आइए, जो हमारे पे सबसे बेस्ट है अच्छी से अच्छी जी वो लेके जाइए आप। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहां से शुरू करते हैं भैया, ये बच्चा दी हुई गाय है जी, या गिरलैंडो से दिखाते हैं? गिरलैंडो से ही दिखा देंगे साहब, यहां से दिखाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा पशुपालक भाइयों को जी। हाँ, ये गाय बच्चा की हुई है जी, ये सुबह में बच्चा दिया, ये सुबह में बच्चा दिया और ये मंगल वाली रात में बच्चा दिया साहब। दोनों सेम वैरायटी के हैं, सेम जी, दोनों गिरलैंडो जी, और पेवर्टी के हिसाब से ही हम लोगों ने इसको परचेज किया है। अच्छा, जिस हिसाब से गिरलैंडो में पेवर्टी होनी चाहिए वो पेवर्टी पूरी है इसमें। जैसे कहने का मतलब ये है कि कई तरीके की गाय को लोग गिरलैंडो बोल देते हैं, हाँ, बोलते मतलब हैं, थोड़ा सा डार्क स्पॉट हुआ व्हाइट स्पॉट हुआ तो लोग गिरलैंडो बोल देंगे। लेकिन ये प्योरिटी में मान के चलिए शुद्धता में जी सारी गायों से अच्छी है, अच्छी है। मतलब जितनी भी गाय अभी तक फार्म पे आई सेल हुई जी, उन सबसे ये काफी अच्छी है और हाइट वेट काफी अच्छा है, मतलब मान के चलिए HF से भी बड़ी लग रही है इसमें। अच्छा, ऑर्डर क्वालिटी गजब का, ऑर्डर क्वालिटी गजब की। खोल दो इसको। हाँ, ये सर बुध वाली रात में बच्चा, मंगल वाली रात में बच्चा दिया इसने। अच्छा जी,
बछड़ा है इसके नीचे सा जी। और अभी मौके से करीब 15-16 लीटर खीस बना रही है। अच्छा। 25-26 किलो ये दूध करेगी, मोटी मोटा करना चाहिए जिस हिसाब से ये पीक पकड़ रही है। अच्छा, जिस तरह से सही बात आपने कहा, ऑर्डर क्वालिटी तैयार हुआ है या बन रहा है जी, तो 15-16 लीटर कितना आप बोल रहे हैं? अभी मौके से 15-16 लीटर मतलब खीस पे है। अच्छा, जैसे मंगल वाले दिन बच्चा दिया, आज बुधवार, बृहस्पतिवार है आज बृहस्पति, तो आप तीसरे दिन 15-16 लीटर ये खीस पे है। कोई आए तो दुहा ले, इतना मतलब खीस इसके नीचे तैयार है, तैयार है जी। और मोटी मोटा मान के चलिए जैसे ये गाय है तो करीब 15 दिन तो लेगी ही लेगी सेट होने में। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, कहीं जाती हैं तो 2-4-5 दिन तो ऐसे ही स्ट्रेस में रहती हैं। अब जैसे बहुत से लोग, हमने बताया आपको कि बहुत से लोग अननोन पर्सन, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा या किसी को गलत नहीं कहूंगा, जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं गाय है बच्चा दिया और तुरंत व्यापारी के बताए के मुताबिक उसके नीचे 20 लीटर दूध तैयार हो गया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ, कोई कितना भी कहे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुरंत गाय भी आए और अपने पीक को पकड़ ले। आपने कह दिया 20 लीटर देगी तो वो तुरंत दूध निकालना चाहते हैं, मतलब 20 लीटर नहीं, तुरंत 20 लीटर वो नहीं देगी, वो कम से कम 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन जिस हिसाब से वो ले ले, इतना तो मैक्सिमम लेना ही चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 10-12 दिन, 15 दिन तो ऐसे ही घर की गाय अगर है आपने रखा है, उसी को पूरा दूध आने में लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो परचेज करके आप खरीद कर ले जा रहे हैं, स्ट्रेस में रहती है 4-5 दिन, तो वहाँ क्या खा के आई, हम क्या खिला रहे, इसी को समझने में 5-6 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर बच्चा कर देती है संभालने में। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये पेशेंस का काम है साहब, सबर नहीं करेंगे अगर आप तो फिर इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और खरीदने से पहले अनुभव होना भी जरूरी है, अनुभव भी होना चाहिए, बहुत जरूरी। अगर अनुभव नहीं है तो हमारे हिसाब से ये काम ना करें, ना करें आप, ना करें। बिल्कुल सही बात। काफी लोग हमारे पास भी फोन करते हैं कि भैया हम डेयरी फार्म का काम करना चाहते हैं, गाय कहाँ से खरीदें, लेकिन उससे खरीदने से पहले आपको जानकारी लेना, जानकारी आप गेन करिए। हाँ, दुनिया भर की डेयरियां हैं, आप विजिट करिए। बिल्कुल। अब यूट्यूब चैनल से ढेर सारे, आप वहां देखिए, सर्च करिए सारी चीजें। आप इस साल शुरू करना चाहते हैं तो अगले साल आप शुरू करिए, लेकिन एक साल जो है आपका वो पूरा आप मान के चलिए इनके बारे में सीखिए, आप सीखिए। और अगर आपको 5-10 लेनी है तो एक दो लेके आप ट्राई करिए कि हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो इसकी क्या डिमांड है, क्या कीमत रखी है आपने? सर ऐसे तो डिमांड इसका सर करना 1,25,000 रुपए, बाकी कोई आएगा तो फिर मान मनोबल हो जाएगा, देख लेंगे जो हो पाएगा, क्योंकि ये गिरलैंडो है सर। ये मान के चलिए इसका फैट 6-6.5 फैट रहेगा, 5.5 से तो ऊपर रहना ही रहना है, बढ़िया केयरिंग में रही तो सारे यही फैट तो भैंस का भी आता है। अब ये समझिए भैंस है पूरी, भैंस है पूरी, भैंस है, गाय नहीं। आप ये समझिए कि पूरी भैंस है, अगर आप 4 लाख रुपए की भैंस ले लेंगे तब भी 25 लीटर दूध नहीं दुआ पाएगी। अच्छा, दूध इसका किस कलर का हो, सफेद होता है या थोड़ा पीला रहे? नहीं नहीं, पूरा सफेद, बिल्कुल भैंस के जैसा, मतलब भैंस के जैसा। इसके साथ में एक और जोड़ी हम परचेज करके लाए हैं, अभी ला दो, वो सुबह में बछड़ी दे दिया जी। ये अभी तो साहब जैसे ताजी बियाई हुई गाय, ये कम से कम ये अभी ढीली है, एक तो स्ट्रेस में इसने बच्चा दे दिया, 4-5 दिन पहले बच्चा दे दिया, तो 4-5 दिन ये कवर करेगी और आगे 10-15 दिन दूध बनाने में, तो जो अडर निकल के आएगा इसका वो काफी शानदार निकल के आएगा जी। बाकी रैम्प एरिया बहुत, हाँ, रैम्प एरिया हाइट वेट मतलब पूरा एचएफ का बॉडी वेट है, एकदम एकदम एचएफ का पूरा बॉडी वेट है, और ये हमारी लंबाई है, आप चेक करा दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, उसके साथ में ये लिया जी, उसके साथ में ये सुबह में बछड़ी दे दी है साहब। अच्छा जी, वाओ, उधर निकाल दोस्तों। तो दांत में ये 4 दांत है साहब, 4 दांत, 4 दांत है, लेकिन दूसरा बच्चा देगी। अच्छा, दे दिया दूसरा बच्चा, दूसरा बछड़ी दिया जी, ठीक है, ब्लैक में कलर भी। अच्छा, ये नीचे जो चित्ती चित्ती, क्या राठी के लक्षण है या क्या कहा? नहीं, ये ऐसा जैसे क्रॉस हुआ जानवर एचएफ, और फिर उसमें गिर वगैरह का सीमन लगा, फिर उससे जो परसेंटेज मतलब निकल के आए तो वो उसी का इफेक्ट रहता है। अच्छा, गिर एचएफ का जो मिक्स रहता है। हाँ, तो वही कारण है इसमें, गिरलैंडो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल नमूना पीस है साहब, मतलब ऐसी बहुत कम देखने को मिलेगी, दोनों नमूना पीस है। ये तो बात बिल्कुल सही कहा आपने, गजब। ये कितना दूध कर देगी भैया? ये भी साहब मोटी मोटा 18-20 लीटर दूध। अच्छा, ये करना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा
अब जैसे गिर की क्रॉस है तो मतलब उतना बता जाए जो एकदम परफेक्ट हो। हाँ, अगर ये आपके ऊपर है, अगर बढ़िया केयरिंग करेंगे आप तो और भी ज्यादा दूध दे देगी। और सुबह की बच्चा दी हुई, दोपहर में भी दूध निकाला गया, अभी 3-4 बज रहा होगा हमारे ख्याल से। हाँ, तो मान के चलिए 5-6 दिन बाद बहुत अच्छी लगेगी, जरूरत से ज्यादा। हाँ जी, अभी तो परसों आई है ये, परसों आई है जी। हाँ, परसों। और आके बच्चा दे दिया, आके बच्चा उसने उसी दिन बच्चा दे दिया। हाँ, इसने आज सुबह में बच्चा दिया, तो अब 2-4 दिन 5 दिन तो ऐसे चला जाएगा इसका जी। उसके बाद जो तैयार होगा जी, होगी तो गजब की होगी जी। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी डिमांड साहब 80,000 रुपए कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कोई आएगा तो अगर पियर लेगा कोई तो जो कंसेशन हो पाएगा वो करके दे देंगे हम। अच्छा, आजकल अदर की अपेक्षाकृत आजकल क्या रेट चल रहा है? कुछ महंगी हुई है गाय या सस्ती हुई है? नहीं, जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा साहब तो रेट थोड़ा बढ़ेगा भी। बढ़ेगा ठंडी में जैसे, थोड़ा ज्यादा। हाँ, ठंडक जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा साहब थोड़ा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस तरह से पशुपालक भाई, अगर कोई गिरलैंडो गाय लेना चाहता है तो शकील डेयरी फार्म पर, जैसा कि हमने पिछली बार ही बताया था कि कई ब्रीड में गाय आ रही है आजकल डेयरी फार्म पर, तो आ सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी और गाय दिखाते हैं हम आपको। जी भैया जी, इसके बारे में बताइए। ये सर क्रॉस ब्रीड में है और सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी। अच्छा, मतलब जैसे कोई घर पालने के लिए ले जाता है और अच्छी गाय की डिमांड करता है जी। बैठकी की मजबूत हो, पीछे से साफ हो, साफ हो और पीछे से अडर वगैरह बढ़िया हो, तो वो इस कैटेगरी में है, काफी अच्छी गाय। तो साहिवाल क्रॉस में है ये जर्सी का मिक्सअप लग रहा है साहब। अच्छा, जर्सी, जर्सी और साहिवाल हल्का सा मान लीजिए। हाँ, ये मिक्सअप है। गाय बहुत शांत स्वभाव की, मतलब प्रेग्नेंट है, 4-5 रोज लेगी अभी बच्चा देने में, बच्चा करने में, और शांत स्वभाव की बिल्कुल। पीछे से बनावट चेक करिए कितना। हाँ, अच्छा पार्टीशन वाला ऑर्डर बिल्कुल निकल गया है। बहुत बहुत बढ़िया, 3-4 दिन लेगी बच्चा करने। जी जी जी, बहुत बढ़िया और बहुत ही चपल जी, बहुत अच्छी है। अगर बढ़िया सेवा में रह जाए साहब तो ये मान के चलते 20 लीटर तो नहीं लेकिन 18 लीटर दूध इसको देना ही देना है। देना है जी, बड़े आराम से। तो और एक दूसरी है अपने पास, ये भी क्रॉस ब्रीड में है साहब। हाँ, ये सेकंड लैक्टेशन में जर्सी क्रॉस, ये भी है जर्सी से क्रॉस है ये भी। अच्छा, लंबी बढ़ा दो। हाँ, पहले तो गाय का लेवल चेक करिए आप, किस लेवल का, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है इसका ऑर्डर क्वालिटी जिस तरह से, जिस हिसाब से तैयार हुआ है जी, इतनी इस क्वालिटी की गाय और आर्डर क्वालिटी इतना बड़ा जी, इतना भारी। क्या बच्चा किया है कि नहीं अभी? नहीं सर, ये बच्चा मान के चलिए अभी डेट में भी 3 दिन कम है इसके। अच्छा, 3 दिन ये भी, 3 दिन डेट में कम है, बाकी देखते हैं, हो सकता है कल परसों तक बच्चा दे दे। हाँ, 2-3 दिन में कर देगी ज्यादा। गाय को इतना आर्डर हो गया कि अब समझ लीजिए गाय से चला भी नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, संभाल नहीं पा रही, खुद नहीं संभाल पा रही है ये। पार्टीशन वाला आर्डर है ये भी, ये कट वाला हल्की सी। हाँ, इसको अभी बाई हो गई है जिसको। अच्छा, हाँ, पानी आ गया तो वो है। तो क्या दूसरे ब्याद में भी पानी आ जाता भैया? जरूरी, देखिए सर डाइट के ऊपर है। हाँ, जैसे अब कि मीठा वगैरह खिला दो तो फिर जरूरी है बाई आ जाएगी, कैल्शियम। अच्छा, पा गई तो फिर उस वजह से भी हो सकता है बाई आ जाए, तो ये सारी चीजें है। थोड़ा फीड भी इसमें माने रखती है, अगर आप फीड का ध्यान नहीं देंगे तो बाई पानी आना तो जरूरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। दांत में ये 6 दांत है साहब, लेकिन दूसरा कंफर्म है। अच्छा, दूसरे में बच्चा देगी। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लग रही, दोनों देखिए सर गाय बहुत ही शानदार। अभी 4 से 6 हो रही है, अभी 4 रही थी सर। अच्छा, 4 है अभी, 4 से 6 हो रही है अभी। ये इधर देखिए, ये दोनों टूट के निकला, पूरा टूटा नहीं जी। 4 से 6 हो रही है, लेकिन जो चीज है वही बताएंगे लोगों को। बिल्कुल सही है, अंधेरे में रख करके या झूठ बोल करके नहीं, वो काम नहीं। बच्चा अपने लिए ही समस्या खड़ी होगी भैया, सच्चाई से ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है गुरुजी, तो फिर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। बाद में ऐसी बातें झूठ बोल करके किसी के साथ दे दिया जाए जी, जी, तो समस्या खड़ी कर देगी जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना है, यहाँ है वही बताई जाएगी, क्योंकि जो मेहनत करके ये फार्म तैयार किया गया है, जिस तरह से आज लोगों का प्यार मिल रहा है और हमारे पशुपालक भाई व्यापारी लोग आते हैं यहाँ पर जी, जी, कहीं ना कहीं उनको विश्वास है, एक विश्वास है साहब। और हम लोग तो हमेशा उस चीज को मेंटेन रखना चाहते हैं कि बस वो चीज मतलब कहीं बना रहे, खराब ना हो, खराब ना हो जी। तो लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, तो रेट क्या है इसका बता दीजिए। अब सर ये कोई अगर लेगा तो ये हम 62,000 रुपए की दे देंगे। अच्छा, ये वाली जी, और वो वाली कोई लेगा तो वो 85-85,000 जी। अच्छा,
85,000 की। दूध की क्या क्वालिटी बनेगी? ये सर करीब 25-26 केजी दूध कर जाएगी। अच्छा, और वो लमसम 18-20 केजी, आप 18 मान के उसको ले लीजिए और 25 लीटर के आसपास। 25 इसको मान के। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। गाय दोनों अच्छी हैं? गाय दोनों अच्छी, क्रॉस ब्रीड में जिस हिसाब से गाय होनी चाहिए उस हिसाब से अच्छी। सिलेक्शन आपका जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी गाय लेकर आते हैं। बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं, कुछ लोगों का तो क्वालिटी ऐसा है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता। सही बात है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मन करता है, और मन क्या करता है, काफी समय हमें यहाँ बिताना पड़ जाता है और बिताते भी हैं, अच्छा लगता है। जी जी, ठीक है, चलिए अगली गाय दिखाते हैं। उसके बाद सर हम जर्सी दिखाएंगे। अच्छा जी, पुरानी जर्सी? जी, दो जर्सी दिखाएंगे जी। एक अभी बच्चा दे दिया है, हाँ मेरे सामने ही है जी, और एक बच्चा करने वाली है करीब, वो अभी जाएगी 10 रोज जी। ये अभी बच्चा किया है जस्ट मेरे सामने, बल्कि कोई था भी नहीं, बच्चा कर दिया जी। सेकंड लैक्टेशन में है ये जी, और अभी बच्चा दिया। पहले लैक्टेशन में करीब इसने 17-18 केजी दूध दिया, इस बार लमसम इसको 20 लीटर को पार कर जाना चाहिए अपना आइडिया। अच्छा, इसकी आंखें काली है। हाँ। अभी एक भाई ने कमेंट भी किया था जी कि काली आंख होनी चाहिए, आंख के किनारे काली जिसके रहेगा वही असली पुरानी जर्सी है जी। और है भी देखो सेम एकदम गजब, आगे से पतली है पीछे से भारी है। हाँ, भारी है, जैसे जैसे पीछे गई है भारी होते चली गई, भारी होती चली गई। यही क्वालिटी है, असली क्वालिटी तो यही है, ऑर्डर की क्वालिटी वगैरह जी। हाँ, अच्छा, बाट के हिसाब से कौथे ब्यात में है ये दूसरा है साहब, कंफर्म दूसरा है। हाँ, लेकिन बाट ऐसा लग रहा है जिसे पहले, जैसे पहले ब्यात का हो, लेकिन है दूसरा साहब, दूसरी बराबर। इधर दिखा दो ये, बिल्कुल गजब, दूसरे ब्यात में, चार दांत में होगी ये, 4-6 हो रही साहब, 4-6। हाँ, जैसे जर्सी वगैरह क्या है साहब कि बहुत होती है कि लेट में बनती है। अच्छा, तो ये 4-6 दांत में, बिल्कुल। दूसरी इसके साथ में एक और है साहब हमारे पास, ये ये क्रॉस में, ये सेकंड लैक्टेशन में, ये भी ये थोड़ा क्रॉस है भैया। हाँ, हल्की सी क्रॉस आप मान लीजिए, क्रॉस में है। बाकी दूध की क्वालिटी तो सेम रहेगी, जैसी उसकी है ऐसी इसकी भी रहेगी, और बड़ा दूध में था। अभी ये कच्ची है साहब, अभी लंबाई इसकी बहुत ज्यादा है। ये भी 4 दांत में है, 6 में है ये साहब, 6 दांत है ये, क्योंकि बाट जिस तरह से इसका मोटा दूसरा है, दूसरा श्योर है, दूसरा भैंस की दुहान पे है एकदम, समझ लीजिए जी। कितना कच्ची है? 10-15 दिन के आसपास, 15 दिन के आसपास, क्योंकि जिस तरह से इनका ऑर्डर क्वालिटी तैयार होके आता है जी, वैसे अभी तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब अभी कच्ची है जी। हाँ, टाइम लेगी। तो क्या दूध कट जाएगी ये वाली? ये सब वो तकरीबन 20 लीटर के ऊपर ऊपर रहेगी। अच्छा, ये 1 लीटर कम भी दे सकती है, कम भी दे सकती है जी, लेकिन हम अपने कस्टमर को 2 लीटर कम ही बोल के देंगे जी। 18 केजी ये दूध देगी, 20 लीटर दूध वो देगी, और एकदम सीधी। हाँ, सीधी शांत स्वभाव की, बिल्कुल। अरे बिल्कुल, दोनों शांत स्वभाव की, कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन आते हो गया, जिस तरह से गायों का आपने चयन करके आप लाते हैं, चाहे जहाँ से कैसे भी टच करो जरा सा, हाँ, मतलब जानवर सब शांत स्वभाव का मिलेगा हमारे। हाँ, क्योंकि किसान ज्यादातर लेके जाते हैं। हाँ, और तो किसान अगर जरा सा भी पैर उठाएगा तो फिर उड़ जाएगा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और चाहिए भी ऐसे जी। तो ठीक है, तो क्या डिमांड है जो ये पेयर में बेचेंगे साहब? सिंगल सिंगल नहीं, अगर पेयर में कोई लेगा तो ये मान के चलिए 1,45,000 रुपए की दोनों, 1,45,000, 1,45,000 रुपए की दोनों, मतलब 70-75 के एट पे। हाँ, 70-75 आप पकड़ लीजिए ऐसे ही। हाँ, ठीक है, बढ़िया गाय है, दोनों गाय बढ़िया है भैया आपकी। और एक भाई ने कमेंट किया था जी, अगर वो लेना चाहते हैं तो वीडियो देख करके आ सकते हैं कि हमें जर्सी गाय चाहिए। हाँ, कोई भी आए देख ले, थन बाट वगैरह चेक कर ले, क्वालिटी देख ले जी, जानवर को देख ले, फिर उसके बाद परचेज करके लेके जाए। चलिए ठीक है, ले चलिए भैया, बाधिए, क्योंकि बच्चा किया है, अभी ज्यादा देर दूर नहीं रहेगी बच्चे से। बहुत बढ़िया भैया जी साहब। हाँ, इसके बारे में बताइए। अब सब HF दिखाएंगे साहब आपको, हमारे पास जितनी है जी जी। ये सेकंड लैक्टेशन में साहब। अच्छा, और ये भी 4-6 दांत हो रहे, दूसरे ब्याज में, पहले ब्याज में करीब 22-23 केजी दूध दिया। अच्छा, ब्रीड ऐसी है अगर आप सेवा भाव कर ले तो 13-14 लीटर एक टाइम का दूध दे सकती। अच्छा, लेकिन हम अपने कस्टमर को 20 प्लस ही बोल के देंगे इसको साहब। अच्छा जी, बाकी दूध करेगी ये 24-25, कंफर्म 24-25 दूध करेगी, लेकिन ये 20 प्लस ही बोल के हम देंगे,
एक एक चीज जिसमें नया दिख रहा है जी सर, जैसे आप बताते हैं पीछे से पार्टीशन ऑर्डर, जी जी, इसमें तो ऐसे भी पार्टीशन बना हुआ है, तो दूध की क्वालिटी साहब जैसे चारों तरफ से डिवाइड है, हाँ, चारों तरफ से डिवाइड, चारों तरफ से जो ऑर्डर डिवाइड रहेंगे उसमें दूध रहेगा ही रहेगा। अच्छा जी, और बहुत बिल्कुल बिल्कुल नया दिख रहा है इसमें, मिल्क वैन भी काफी अच्छी लगी, पाइपलाइन, और टाइम तो अभी हमारे समझ से 7-8 दिन लेगी, हाँ, एक हफ्ता मोटी मोटा, हाँ, मान के चलते 7-8 दिन लेगी। अभी तो पीछे से देखिए पार्टीशन भी है और बगल से भी पार्टीशन, यानी चारों थन बाट एकदम अलग अलग जी, जड़ जड़ से लेकर के आगे तक पीछे, हाँ, तक पूरा बिल्कुल पूरा पूरा कन्फर्म है। तो ये होती है क्वालिटी दूध देने वाले पशुओं की। जी जी, ठीक है, तो चार दांत में है भैया? जी चार दांत में है, तो दूसरे में आपने बच्चा दूध दे देगी। अब दूध तो सर 24-25 लीटर करना चाहिए, लेकिन हम 20 प्लस ही बोल के देंगे, 20 प्लस ही बोल के देंगे। और रुपया कितना लेंगे? ये सर बिल्कुल फिक्स रेट इसका रहेगा 70,000 रुपए की। 70,000? ये 70,000 रुपए की दे देगी। थोड़ा सा दुबली है? दुबली सर जैसे ये ब्रीड है, हाँ, तो ये लास्ट टाइम तक लगती है, ये तो जल्दी ड्राई भी नहीं होती। अच्छा, ऐसी कंडीशन आ जाती है, इनके नीचे दूध रहता जल्दी सूखता नहीं, क्योंकि आप एचएफ को थोड़ा सा भी फीड डालेंगे तो वो दूध ही बनाएगी। तो ड्राई पीरियड में भी हो सकता है कि ये जैसे लॉन्ग टाइम तक लग गई हो, लग गई, बाकी अभी जिस ये होता है जिस हिसाब से है बहुत अच्छी है। कुछ जानवर होते हैं 1-1.5 महीना तक दूध देते रहते हैं बच्चा देने के, जी ऐसा भी होता है, तो उनकी बॉडी बनने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। सही बात है, तो बढ़िया है। ठीक है भैया, लाइए, बहुत ही अच्छी। और इसके बाद कौन सी दिखाएंगे भैया? गाय तो अभी दो चार गाय हैं दिखाने के लिए पशुपालक भाइयों, और हर गाय बहुत ही शानदार हैं। और अपने पास कुल कितनी गाय आई थी भैया? हमारे पास इस बार तकरीबन 35 एनिमल्स आए थे। अच्छा, इसमें तकरीबन 11-12 गाय रांची गई हैं। अच्छा, और कुछ लोकल में सेल हुई, कुछ जालौन गई है, कुछ बनारस बिहार। अच्छा जी, और ये कुछ 12-13 एनिमल है। हमारे समझ से यूपी में जितने जिले हैं सारे जिले में आपकी गाय जाती है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। बाकी अच्छा, एक मनोज करके भाई थे, उन्होंने कमेंट भी किया था आपको यूपी किंग की उपाधि दी थी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस काम चल रहा है, हम किंग वगैरह कहीं नहीं भैया, किंग तो आप लोग हो, किंग आप बनाते। किंग का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके पास पशु आते हैं, सेलिंग का काम है आपका, सेल परचेज का, उस हिसाब से तो किंग है ही आप यूपी के, इसमें कोई दो बात नहीं है। फिलहाल आपका आशीर्वाद है सर, और कुछ नहीं। ये अगली गाय भी है, इसके बारे में बताइए। ये सर क्रॉस ब्रीड में एचएफ और साहिवाल का मिक्सअप। अच्छा, है एचएफ और साहिवाल मिक्सअप है, और इसके नीचे साहिवाल की बछड़ी है। बछड़ी है जी, हाँ। साहिवाल की बछड़ी है, और काफी हाइट की है बछड़ी, हाँ, भी है। बछड़ी भी काफी हाइट की, गाय भी काफी हाइट की, मतलब ओवर वेट ये समझ लीजिए, गाय में भी ओवर वेट है। और ये मिल्क वेन्स लगा हुआ है। कितना टाइम हुआ इसको बच्चा किए हुए? ये सर मंगलवार वाले दिन बच्चा दिया इसने भी, मंगल वाले दिन। अच्छा, बच्चा दिया है, हाँ। और अभी मौके से करीब अभी 17-18 लीटर दूध कर रही है हमारे यहाँ मौके पर, और हाँ। कम से कम इसको भी 23-24 इतना दूध करना चाहिए आराम से, 23-24 लीटर। अच्छा, आराम से दूध करना चाहिए। गाय की हाइट भी है, गाय की हाइट भी बढ़िया है, और इसका रोया कुछ अलग ही है। हाँ, क्रॉस पे, हाँ, चली गई सर ना, जैसे इसको, हाँ, थोड़ा सा हम्पा भी हो गया, हाँ, तो ये साहिवाल का मिक्सअप है, थोड़ा सा साहिवाल और एचएफ, हाँ, का मिक्स है ये जी। ऐसी गाय जैसे कोई अपने यहाँ रखना चाहता है तो वो ठीक रहता है। बढ़िया, ऐसे डेयरी फार्मर के लिए भी गाय, हाँ, घर पे भी पाल सकते हो आप, ऐसी चीज है, घर में भी पाल सकते हैं, और स्वभाव बहुत शांत है बिल्कुल, जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा सीधी है जी। और चाहिए तो हाथ लगा दिया दूध टपकने, हाँ, लगा, हाँ, तुरंत पहुंच जाती है, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्या कीमत रखी है इसका? ये सर 75,000 की, 75,000 रुपए की दे देगी। बिल्कुल अच्छा, एक बात हम अभी कहना नहीं चाहिए लेकिन हम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका रेट आपने जो बताया गिरलैंडो का, कहां गई गिरलैंडो का रेट हमें कुछ ज्यादा लगा इसके अपेक्षा करी, जबकि दूध के देने की क्षमता इसकी भी है बढ़िया, उसकी भी है, बस एक ही क्वालिटी है कि भैंस की तरह से उसका दूध है, मोटा दूध रहेगा, वो रियर ब्रीड है सर, हाँ, रियर ब्रीड। जैसे उसमें कई खासियत हो गई, हाँ, एक तो ओवरवेट, मतलब इतनी बड़ी गिरलैंडो नहीं मिलेगी आपको, हाँ, पहली बात, हाँ। दूसरी बात यह है कि गिरलैंडो जो है, मतलब आप 1,000 गाय देखोगे तो एक आधी कहीं मिल सकती है आपको,
सही बात है, ये तो है। जो जो लेके भी आएगा तो हाँ, वो तो जाहिर है कि हाँ, पैसे लेगा ही लेगा भाई। 100 गाय में अगर एक गिरलैंडो आ रही है तो उसकी कीमत तो ज्यादा लगेगी। अब ये सब तो अच्छे वगैरह सब हाँ, आपको सब कहीं मिल जाएगी बहुत, लेकिन वो गिरलैंडो फिर हाँ, जर्सी हो गई ये सब तो मान के चलिए क्वालिटी, दूध की क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी। इसका 35 रुपया लीटर दूध बिक रहा है, उसका 50 रुपया, उसका 50 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर बिकना ही बिकना है उसको, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी 75,000 85 कितना बताया? 75,000 रुपए 75,000 ठीक है, रेट बढ़िया है इसका भी जी, रेट बढ़िया आज वर्तमान में जो चल रहा है उस हिसाब से रेट बढ़िया है। तो और इसके बाद कौन सी गाय दिखा रहे हैं? दिखाएंगे साहब हमारे पास बहुत अच्छी गाय है, एक ओवर वेट में ये वाली जी, मंगलवार को तो आपके पास इतनी गाय थी कि यहाँ बांधने की जगह नहीं थी, सब जगह गाय बंधी थी जी। और अच्छा हाँ, इसके बारे में जानकारी दीजिए भैया। ये पहले गाय देखिए साहब, जानकारी तो हम दे देंगे आपको, गाय देखिए किस लेवल की है। बिल्कुल बहुत बड़ी गाय है, भारी गाय, और शरीर की भी बहुत भारी है भैया, शरीर से बहुत भारी। ब्रीड चेक करिए आप, कितनी शानदार ब्रीड है हाँ। ये बहुत ही मजबूत बॉडी की दिख रही है जी। और अच्छा एक चीज, इसका ये नीचे वाला जो हम्प होता है जी, इसका भारी है, क्या बात है, तंदुरुस्त है साहब, जैसे तंदुरुस्ती है हाँ। तो जानवर तंदुरुस्त हो जाता है तो लेवल ऐसा हो जाता है। और लंबाई भी बहुत ही शानदार, लंबाई हाइट वेट मतलब मान के चलिए करीब 800 केजी के ऊपर होगी ये। अभी कच्ची है लेकिन, अभी कच्ची है तकरीबन 20 दिन हाँ। जी, और ऐसी गाय बच्चा देके कहाँ मिलेगी सर, ऐसी गाय बच्चा दे देती है तो लोग बाद बेचेंगे ही नहीं। 15-16 दिन में जब ये तैयार होगी तो फिर हाँ, इसका तो मतलब लेवल ही बदल जाएगा, लेवल बदल जाएगा। आप ये समझिए हम ये कच्ची लाए खिलाने के लिए ही, आपको दिखा रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी तैयार है ऐसी गाय जी। और मतलब आप तारीफ करिए कि मतलब कैसे किसान ने इसको पाल के दी हमको। नहीं, इसमें आप अपने अनुभव से लेकर आए हैं, हम समझ रहे हैं जी कि ये जो भविष्य इसका होगा जी बहुत बढ़िया गजब का होगा जी। और रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड भी इसने करीब 30 केजी तक दूध किया है। अच्छा, और इस बार अगर मालिक ने ठीक ठाक इसको रखा हाँ, तो ये 35+ चलेगी, और जहां तक हमारा वो रहेगा तो हम इसको तैयार करके ही बेचेंगे। अच्छा, तैयार करके ही बेचेंगे क्योंकि ये अभी बहुत बनेगी हाँ, ऑर्डर जब करके खड़ी होती गाय तो हाँ, फिर समझ लीजिए इससे चलना फिरना कम हो जाता है, कम हो जाएगा बिल्कुल सही बहुत बनेगी। और पीछे का रैंप एरिया हाँ, वगैरह तैयारी ये सारी चीजें देखिए आप हाँ। अच्छा वर्तमान में क्या रेट लेंगे इसका? अभी सर वैसे बेचने के इच्छुक नहीं इसको। अच्छा, इसको खिलाएंगे सर, इसको हाँ, तैयार करेंगे फिर उसके बाद इसको दिखाएंगे लोगों को। चलिए जरूरी नहीं सारी चीजें आ गया, जैसे एक हाँ, अपनी भी शौक है कि इसको मतलब देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को देख रखी है हाँ, इस गाय को देख रखा है, तो वो उस लेवल पे जब जाएगी तब फिर आपको जरूर एक बार शो करेंगे इसको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अच्छा इसके बाद ये दो गाय अपने पास, ये सर पहली बछिया अदंत है या फिर दो दांत शायद अदंत है ये अदंत है, वो दो दांत भैया दिखाओ, मतलब दांत गिर गए हैं इसके हाँ, जी बिल्कुल दांत गिर गए, निकले नहीं है हाँ, बहुत छोटी है हाँ, मतलब छोटे किसानों के लिए कही जाएगी हाँ, मान सकते हैं हाँ, बाकी जो कोई ब्रीड रखना हाँ, चाहता है जैसे ब्रीड में हाँ, एनिमल रखना चाहता है तो उसके लिए बढ़िया रहेगी, बढ़िया रहेगी। जैसे बहुत से लोग बछड़ी पाल लेते हैं हाँ, और ऐसे अगर आप गाय लेके और उसमें बढ़िया सीमन वगैरह डाल के फर्स्ट टाइमर तैयार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगी। अच्छा हम जब आए तो हमने सोचा कि बछड़ी लेकर आए हैं बेचने के लिए लेकिन फन की जब क्वालिटी देखा तो पता चला, क्या बच्चा किया है ये सर? बछड़ा दिया है, आज सुबह में इसने भी बच्चा दिया, चीज वगैरह से खा लिए पूरी तरीके से ठीक है। तो सीमन इसको साहब बहुत अच्छा लगा था, HF के 5-स्टार बुल का। अच्छा, और इसका ये बछड़ा हाँ उधर रखा है, ये इसका बछड़ा। अच्छा इसका हाँ, ये इसका बछड़ा। चलिए तो इसकी क्या क्वालिटी? ये पहले ब्याह में है, ये पहले ब्याह में हाँ, और ये इसने भी आज सुबह बच्चा दे दिया। अच्छा जी, आज अपने फार्म पे तकरीबन 5-6 गायों ने काविंग किया, बहुत बहुत बेहतरीन इसका भी ऑर्डर क्वालिटी है, और बाट भी काफी दूर दूर है जी, जी। बहुत साफ एकदम क्लीन है, और बॉडी की बनावट जितने में है भैया जी बहुत सुडौल है एकदम बिल्कुल हाँ।
ये देखिए वो उसका बछड़ा, ये देखिए साहब इसका बछड़ा देखिए, गाय के हिसाब से तो बछड़ा भारी है जी। हाँ, इसका मतलब अच्छा सीमन लगा अच्छा था लेकिन बछड़ा हो गया, बछड़ा हो गया। हाँ बछड़ा हो गया, नहीं तो फिलहाल। और दोनों बछड़े बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन अब बछड़े की क्या कीमत रह गई? और नहीं अगर कोई जैसे पाल के ब्रीडिंग वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए, इसके लिए तो ये व्हाइट वाला तो गजब का है, व्हाइट वाला भी ये भी ठीक रहेगा सब। अच्छा जी बहुत बढ़िया। तो क्या दूध ये वाली कर रही है, करेगी? ये तो साहब क्या है मोटी मोटा, ये मानकर चलते हैं कि ये करीब 22-23-24-25 भी दे सकती है, इस ब्याह अगले ब्याह ये दूध बढ़ा के देगी। ये खाली है साहब अभी जस्ट एक घंटे पहले। अच्छा। ये खीस वगैरह इसका 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 दोनों का निकाल दोनों दिया। का निकल गया जी। अच्छा ठीक है, गाय दोनों बहुत बढ़िया है भैया, बेहतरीन काऊ है। तो क्या डिमांड रखे इस वाली का बताइए? ये और ये सर दोनों अच्छा। एक ही जगह की है तो अच्छा। ये पेयर ही बेच देंगे अगर कोई लेगा। चलिए पेयर में बता दीजिए क्योंकि हमारे पशुपालक भाइयों को पेयर में थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। हाँ तो पेयर में हम भी सस्ती देने की कोशिश करते हैं साहब, अगर कोई पेयर लेगा तो 1,55,000 रुपए की दोनों छोड़ देंगे। अच्छा यानी कि 75-80 में। हाँ ऐसे जोड़ लीजिए या इसको ज्यादा जोड़ लीजिए उसको थोड़ा कम जोड़ लीजिए। ये गाय बहुत अच्छी है, ये वाली तो बहुत गजब की है, वो फर्स्ट टाइम है। अच्छा इसका रेट छोड़ दीजिए, इसमें तो कुछ आप कम करके बता दीजिए। किसमें? ये सर बहुत बड़ी गाय है, बहुत अच्छी गाय है ये अकेली 1,00,000। वो अगर अकेली कोई लेगा तो फिर उसके दूसरे रेट। हम आपको पियर बताए, अगर सिंगल कोई लेगा तो फिर मान के जैसे अब पियर बताने का मतलब ये होता है साहब जैसे दो के जैसे कोई एक ले रहा दो का मूड बना रहा और फिर जैसे दो गाय में हमको 2,000 रुपए जानवर पीछे हमारे दो एनिमल जा रहे हैं तो हम लोग वो चीज करते हैं कि चलो हो गया वो ठीक है, 5 के बजाय 4 ही मिल जाए दो गायों से वो भी ठीक है। 5,000 तो सस्ता हो ही जाता है अगर एक पेयर कर दिया जाए। अगर कोई लेता है तो फिर इस हिसाब से, अगर बाकी कोई सिंगल सिंगल लेगा तो वो वाली उधर वाली जो बचिया है वो हम 70,000 रुपए की और ये कम से कम 90,000 की, 90,000 रुपए की। ठीक है ठीक है, क्वालिटी दार है, बॉडी वेट तो नहीं है ज्यादा लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। जैसे पहली बछिया की बनावट भी बहुत बेहतरीन है जी। अच्छी है। ठीक है भैया दोनों गाय बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए पशुपालक भाइयों तो कुछ कहना चाहेंगे तो फिर भैया लास्ट में हमारे पशुपालक भाइयों को कुछ सजेशन दीजिए, आने वाले पशुपालक भाई क्या ध्यान दें पशु खरीदने में और क्या विश्वास करके आए आपके पास यही बता दीजिए। जैसे साहब अभी मतलब जिस हिसाब से सीजन चल रहा है तो बहुत से लोग जो जागरूक हैं वो इस सीजन में मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं जी, तो बहुत अच्छी बात है आप इस सीजन में स्टार्टअप करिए। दो तीन चीजें हैं साथ में, जैसे आप अगर गाय पालना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आप जरूर रखिए कि कैसी गाय परचेज करना है, कौन सा फीड खाएगी और कब डीवार्मिंग करनी, ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत नॉलेज में जरूर जानकारी होना चाहिए। बाकी तो गाय सब कोई पकड़ा देगा, कहीं से भी आप परचेज कर लो, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको ही सीखनी है, आपको ही समझनी है। और आप कहीं से भी गाय परचेज करें तो आप पूरी संतुष्टि के साथ उसके आर्डर से लेके पूछ खुर नाक मुंह सब सारी चीजें आप देख करके तभी गाय परचेज करिए, हम ही से नहीं आप कहीं से भी लीजिए। तो पूरी चीजें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाइए तब तक आप इनमें ना परचेज करिए कहीं। हमने एक बात लास्ट में कहा कि क्या विश्वास करके आपके पास आए? विश्वास हमारे पास विश्वास यही है सब, जैसे अपना फार्म है आप आइए लेटिए खाइए और मिल्किंग चेक करिए 2-1 टाइम, अपने हाथ से फीड खिलाइए क्या देना और हमारे पास जो जानकारी है वो लेके जाइए। बिल्कुल, मतलब आप स्वतः आप चाहें तो आके यहाँ देख के अपनी संतुष्टि करके फिर एनिमल लेके जाइए हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो आपका डेयरी फार्म है, आप कहीं भाग कर जा नहीं रहे हैं जी, बिल्कुल आपका घर है। और उससे बड़ी बात है जिसे बाजार में लोग खरीद करके बेच करके निकल जाते हैं जी जी जी, अब उसको कोई सजेशन देने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे जानकारी ले सकते हैं अगर कुछ अनुभव कम हमारे है। पास आप लमसम 50 फोन दिन के तो इसी बेस पे आते हैं कि गाय बीमार है जी, या कौन सा सीमन डलवाएं, फीड कौन सा खिलाएं, कौन सी दवा से डिवार्मिंग करें, करीब 50 कॉल तो इसी बेस पे हमको रोज आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत जानकारी हमको है तो वो हम दूसरों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पशुपालक भाइयों, बाकी हम तो यही कहेंगे, एक बार पिछली वीडियो में भी कहा था और हमेशा कहते हैं कि अगर पशु खरीदना है तो एक बार इस डेयरी फार्म पर जरूर आइए। अब ये नहीं है कि हम इनकी
बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अच्छा पशु अगर लेना है और जानकारी के साथ लेना है, गारंटी के साथ लेना है, ब्रीड का पशु लेना है, तो शकील डेयरी फार्म सबसे बेस्ट फार्म है। और बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, और विश्वास के साथ लेना है तो एक बार जरूर आइएगा। बने रहिए, देखते रहिए, फिर हम अगली वीडियो लेकर पशुपालक भाइयों आएंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।